नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं आपके साथ। बहुत सारे लोगों को लिफ्ट में फंसने का बड़ा डर रहता है कि लिफ्ट में फंस जाएंगे तो क्या होगा। इस जो ये फियर है इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एक छोटी जगह में फंसने के डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। इसी के चलते बहुत सारे लोग लिफ्ट में नहीं चढ़ते हैं। तो आज हम लोग कुछ इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपके साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या प्रोबेबिलिटी है आपके इसमें ऐसा होने की आपके साथ। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और खासकर विशेष रूप से अगर आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आप लिफ्ट को 24 घंटे यूज करते हैं, आपके यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और तो क्या करें अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए। तो चलिए, लिफ्ट में बंद रहने का जो भय होता है ये बिल्कुल जेन्यून है, बहुत सारे लोगों को होता है ये। और विशेष रूप से जब लिफ्ट में काफी सारे लोग हों और लिफ्ट फंस जाए तो आपके हिलने की भी जगह नहीं रहती उसमें। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा कब कब हो सकता है और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब के चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसा कि हमने बताया, कुछ लोगों को ये क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है, भय लगता है, उनके लिए लिफ्ट में नहीं जाना चाहते वो, इसलिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा होता रहता है, मतलब जो लोग भी लिफ्ट यूज करते हैं वो जानते होंगे कि ऐसा उन्होंने जरूर देखा होगा, सुना होगा या उनके साथ हुआ होगा। इंजीनियरिंग फर्म केजे ने ऐसा कुछ स्टडी किया कि जो दिन में अगर आप लगभग 8 बार लिफ्ट यूज करते हैं तो आपको हर महीने 5,000 में से एक बार फंसने की संभावना रहती है, ऐसा एक स्टडी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको जीवन में कम से कम एक बार ऐसा अनुभव जरूर होता है कि वो लिफ्ट में फंस जाए, कहीं पर ऑफिस में, घर में या किसी के यहाँ गए हों। तो अब सवाल ये है कि करें क्या, तो ऐसा होता क्या है कि लिफ्ट फंस जाती है। मेन जो रीजन है हमारे खासकर इंडिया में वो सबसे ज्यादा ये है कि पावर फेलियर होता है। पावर फेलियर हो जाता है तो लिफ्ट जहाँ वहीं रुक जाती है। आजकल लिफ्ट के अंदर एक बैटरी बैकअप लगाते हैं जिसको ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस बोलते हैं, बट बहुत बार ऐसा देखा गया कि वो बैटरी बैकअप जो है खराब होता है या बैटरी चार्ज नहीं होती या और भी कुछ रीजन होता है तो वो काम नहीं करता, तो आप लिफ्ट में फंस जाते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका ये है कि लिफ्ट के अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है, अगर लिफ्ट की लाइट भी चली जाए, लिफ्ट में लाइट भी नहीं है, फैन भी नहीं चल रहा है, तो भी उसमें वेंटिलेशन है, उसमें गैप होता है ऊपर, वो बंद नहीं होता पूरी तरह, एयर टाइट नहीं होता है। तो इस बात से तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, जरूर एक फीलिंग होती है कन्फाइंड स्पेस में, छोटे स्पेस में बंद होने से। तो जैसे ही कभी ऐसा हो तो तुरंत आपने कोशिश करके, आपको अगर मोबाइल
है आपकी जेब में तो उसको जला लीजिए, उसकी लाइट है तो उसमें से देखेंगे तो आपको एक अलार्म बटन नजर आएगा लिफ्ट के पैनल के अंदर, उसको दबाएं और उम्मीद है कि वो अलार्म बटन काम कर रहा होगा, तो कोई ना कोई आपकी आवाज सुनेगा और आपको निकलने में मदद करेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस होता है लिफ्ट में, इसके अलावा लिफ्ट के अंदर एक मैनुअल रेस्क्यू सिस्टम भी होता है, जो कि आप मोटर को मूव करते हैं और लिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बाहर से हेल्प की जरूरत लगेगी, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा रिस्की काम होता है, इसके लिए एक ट्रेंड आदमी की जरूरत पड़ती है। तो वो आपकी जहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट है जहाँ पर, वहाँ हमेशा ये इंश्योर करें कि कोई ट्रेंड आदमी अवेलेबल है 24 घंटे, अगर 24 घंटे लिफ्ट चलती है। जितनी भी लिफ्ट कंपनी है वो आपको हेल्प करेंगी आपके आदमी को ट्रेन करने के लिए, और अगर ऐसी कोई दिक्कत हो ना हो तो हमें बताएं नीचे कमेंट्स में, हम आपको आके ट्रेनिंग देंगे, आपके आदमी को हेल्प कर देंगे। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग फंसने का इंतजार ना करें अलार्म को चेक करने के लिए, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस को चेक करने के लिए, तो जो भी वहाँ पर मेंटेनेंस के इंचार्ज हैं उनको ये काम जरूर करना चाहिए, कम से कम 15 दिन में या महीने में एक बार आपको ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस जो है उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अलार्म बटन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इमरजेंसी लाइट जो है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये और इसके अलावा आप लिफ्ट के अंदर एक टेलीफोन सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम भी लगा सकते हैं कि वो भी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो है लिफ्ट के अंदर मोबाइल काम नहीं करता है, कई बार करता है सिग्नल मिल जाए तो, बट कई बार नहीं भी करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप का जो अलार्म सिस्टम है अंदर, इंटरकॉम सिस्टम है, वो वर्किंग ऑर्डर में हो और उनको रेगुलर तरीके से उनकी चेकअप और मेंटेनेंस होती रहे। इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि आपकी जो लिफ्ट है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो, उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, उसके अंदर पैसे बचाने की कोशिश ना कीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, लाइफ लाइन है। अगर आपको पैसे बचाने ही हैं तो बाकी किसी चीज़ में बचा लीजिए, बट लिफ्ट के साथ ऐसा ना कीजिए, उसके अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए और प्रॉपर कंपनी को मेंटेनेंस दीजिए। बहुत से हमने देखा है कि लोग कोशिश करते हैं किसी एक छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन को, टेक्नीशियन को जिम्मेदारी दे देते हैं लिफ्ट की, ऐसा ठीक नहीं है। जिस कंपनी ने लिफ्ट लगाई है कोशिश करें उसी को मेंटेनेंस दें, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो किसी क्वालिफाइड आदमी को एक मेंटेनेंस दें, और अपनी लिफ्टों के ऑडिट भी कराएं अगर लिफ्ट पुरानी हो गई है। अगर इस संबंध में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम आपको हेल्प करेंगे इस चीज में। तो उम्मीद है कि अब आप थोड़ा सा कम डरेंगे लिफ्ट में फंसने के लिए, और अपने जो मेंटेनेंस इंचार्ज हैं बिल्डिंग के, जो मैनेजर हैं, उनको आप जरूर ये पूछेंगे कि भाई लिफ्ट जो है उसके इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी लाइट, एआरडी, इंटरकॉम सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है। तो और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि लंबे समय तक लिफ्ट में फंसने का रिकॉर्ड मेनहाइट निकोलस वाइट का है, ये यूएसए में रहते थे और ये अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, और इन्होंने अपने पूरे 41 घंटे लिफ्ट में निकाले। हुआ ये कि ये अपने शुक्रवार की शाम को ये इनका सिगरेट पीने की इच्छा हुई और ये नीचे निकल गए अपने ऑफिस से, लिफ्ट में गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था और वो टाइम लेट हो गया था थोड़ा शुक्रवार का, तो नीचे से किसी ने लिफ्ट को बंद कर दिया और मेंटेनेंस करने के लिए, और लिफ्ट में फंसे रह गई है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो करीब 41 घंटे ये फंसे रहे। जब मंडे को लोग आए तब इनको निकाला गया कि हालत काफी खराब हो गई थी, तो आपने अब समझा कि भाई लिफ्ट में फंसने में क्या करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है और
दोबारा से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि लिफ्ट में हमेशा जब आप चढ़ते हैं तो तभी देख लें कि अलार्म बटन कहाँ है, थोड़ा सा आइडिया ले लें उसका। जो नया गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उसके हिसाब से अलार्म बटन जो है वो येलो कलर में होना चाहिए, और उसके अंदर इमरजेंसी लाइट, इंटरकॉम सिस्टम, और कभी कभार अपने अगर घर की लिफ्टें हैं, ऑफिस की लिफ्टें हैं, तो एक दो बार अलार्म या इंटरकॉम सिस्टम को यूज करके देख लें कैसे यूज करना है, जिससे कभी इमरजेंसी पड़े तो आपको यूज कर सकें। और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि अपने मैनेजर, बिल्डिंग मैनेजर को बोलें कि वो आपको इसका थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन दे दे, ट्रेनिंग दे दे। तो बहुत जरूरी है आपको ये भी पता हो कि आपकी बिल्डिंग में कौन है ट्रेंड आदमी जो इमरजेंसी में आपको हेल्प करेगा, उसका नाम और नंबर भी वहाँ लिफ्ट के अंदर और बाहर सब जगह पे लिखा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कभी लिफ्ट में फंसे हैं क्या, तो आपने क्या किया हमें बताएं नीचे कमेंट्स में। और कोई और आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें पूछें, हम आपको आंसर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।